अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के खुतबे का उन्वान है सलाम इस्लाम और अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। मैं उसी की हमद बयान करता हूँ, उसी की तारीफ़ बयान करता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि उसके अलावा कोई और माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है और यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह ताला उन पर, उनके आल पर और तमाम सहाबे किराम पर ढेरों दुरूद व सलामती नाज़िल फरमाए। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ताला के नाम बेहतरीन हैं और इसी की सिफात आला हैं। कायनात और शरी अहकाम में मौजूद निशानियाँ इसी बात की गवाह हैं। अल्लाह ताला के तमाम अस्माओ सिफात मखलूक से बंदगी और इबादत का तकाजा भी बिल्कुल इसी तरह करते हैं जैसे अल्लाह ताला के खालिक होने और पैदा करने के मुतकादी हैं। नीज़ हर नाम और सिफ्त की मखसूस बंदगी भी है जिस पर ईमान रखना और जानना लाजमी जुज़ है। फरमाने बारी ताला है वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउ बिहा। अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, अल्लाह को इनके ज़रिए पुकारो और उन लोगों को मुस्तर्द कर दो जो अल्लाह के नामों में कजरवी इख्तियार करते हैं, उन्हें उनके अमलों का अनकरीब बदला दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने इन्हीं नामों में अस्सलाम भी शामिल है। ये एक ऐसा नाम है जिसमें तमाम सिफात भी समो जाती हैं। ये अल्लाह ताला के तकद्दस और पाकीज़गी पर दलालत करता है, ये अल्लाह ताला की बेऐबी जाहिर करता है। नीज़ हर ऐसी बात से अल्लाह ताला की बुलंदी आयां करता है जो अल्लाह ताला के जलाल कमाल और अजमत के मुनाफी है। अस्सलाम ये भी बतलाता है कि अल्लाह ताला हम किस्म की माजूरी से सलामत है, किसी भी कमी से मुनज़्ज़ा है, लिहाजा वो हर ऐब और नक्स से सलामत है क्योंकि उसकी ज़ात, उसके नाम, उसकी सिफात और अफ़ाल सब कुछ कमाल दर्जे के हैं। फरमाने बारी ताला है हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहुल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुभानअल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वही बादशाह निहायत पाक, सब ऐबों से सलामत, अमन देने वाला, निगेबान, गालिब, जोर आवर, बड़ाई वाला, और अल्लाह ताला उन चीज़ों से पाक है जिन्हें वो उसका शरीक बनाते हैं। ज़ाते बारी ताला इस नाम की किसी भी दूसरे नाम से ज़्यादा हकदार है, बल्कि इसी नाम में वो पाकीज़गी और सलामती भी है जो अल्लाह ताला ने अपने लिए बयान फरमाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की बतलाई लिहाजा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की बतलाई लिहाजा ज़ाते बारी ताला बीवी और बच्चों से सलामत है। वो किसी भी किस्म के ममासिल, हमसर, हम नाम और हम पल्ला से सलामत है। वो हम किस्म के शरीक और साथी से सलामत है। अल्लाह सुबहानहु व तआला की जिंदगी, मौत, ऊंग और नींद से सलामत है। वो अपनी मखलूकात को कायम दायम रखने वाला है। वो थकावट, नाचारी और उकताहट से भी सलामत है। उसका इल्म भी जहालत और भूल चूक से सलामत है। उसका कलाम भी मबनी बर अदल और सच है। उसका कलाम झूठ और जुल्म से सलामत है। उसकी तमाम तरसिफात किसी भी ऐसी चीज़ से सलामत हैं जो कमाल के मुनाफी हो या सिफात में नुक्स का शायबा पैदा करे। तो जिस तरह ज़ाते बारी ताला और उसके तमाम अस्माओ सिफात सलामत और सलामती वाले हैं, तो हमा किस्म की अमन व सलामती भी उसी की जानिब से होती है। उसी से सलामती मांगी जाती है। अगर कोई शख्स किसी और से सलामती का तलबगार हो तो खाली हाथ लौटेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नामे मुबारक के तमाम तकाज़ों को पूरा करते थे, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज नमाज से सलाम फेरते तो फरमाते अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकता या ज़ल जलाल वल इकराम। या अल्लाह, तू ही सलामती वाला है और तेरी तरफ से ही सलामती आती है। या ज़ल जलाल वल इकराम, तू ही बाबरकत ज़ात है। रवाहु मुस्लिम। इस नामे मुबारक के तकादों के मुताबिक अल्लाह ताला ने ही अपने अवलिया को अजाब से सलामती अता की, बल्कि तमाम तर मखलूकात को जुल्म से सलामती में रखा और अल्लाह ताला हवा किस्म के जुल्म से बरी है। फरमाने बारी ताला है इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रतिन, बेशक अल्लाह ताला ज़र्रे के बराबर भी जुल्म नहीं करता।
फिर चूंकि अल्लाह ताला खुद सलामती वाला है और उसी की जानिब से सलामती मिलती है, तो ये कहना जायज़ नहीं कि अल्लाह ताला पर सलामती हो, इसलिए कि अल्लाह ताला बज़ात खुद सलामती वाला है। रवाहुल बुखारी। अल्लाह ताला ने अपने अंबियाए किराम और रसूलों को सलाम भेजा क्योंकि रसूलों की दावत हर किस्म के ऐब और नक से सलामत थी। फरमाने वाली ताला है, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। इनकी बातों से तेरा रब्बुल इज्जत परवरदिगार पाक और साफ है, और सलाम हो रसूलों पर। अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए भी सलामती लिख दी है। फरमाने बारी ताला है, ए नबी आप कह दीजिए तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह के चुनिंदा लोगों पर सलामती हो। नीज अल्लाह ताला ने फजल करते हुए अपनी मखलूक में से जिसे चाहा जहानों में सलामती के लिए खास फरमा लिया, जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, नूह पर जहानों में सलामती है। इसी तरह इब्राहिम, मूसा, हारून और इलियास अलैहिस्सलाम पर सलामती नाजिल फरमाई, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने नबी यहया अलैहिस्सलाम को तीन ऐसी जगहों में सलामती अता फरमाई जहां इंसान सबसे ज्यादा दहशत ज़दा होता है। फरमाने बारी ताला है, उस पर सलामती हो जिस दिन वो पैदा हुआ, जिस दिन वो फौत होगा और जिस दिन उसे जिंदा उठाया जाएगा। अल्लाह ताला ने तमाम मोमिनों को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ने का हुक्म दिया और फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम उस नबी पर सलाम और दुरूद पढ़ो। अल्लाह ताला और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सईदा खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सलाम भेजा क्योंकि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनफरिद अंदाज में खिदमत की और आपकी धाड़स बांधी। चुनाचे एक बार जिब्रील अमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और कहा, अल्लाह के रसूल, ये खतीजा हैं जो आपके पास आ रही हैं, उनके पास बर्तन में सालन है या खाने पीने की चीज़ है, जब वो आपके पास पहुंच जाएं तो उन्हें अल्लाह ताला और मेरी जानिब से सलाम पहुंचाएं। मुत्तफ़क़ुन अलैह। ऐसे ही जबरील अलैहिस्सलाम ने सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी उनके इल्म और कमाल दानशमंदी के बायस सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आयश, ये जबरील तुम्हें सलाम कह रहा है। मुत्तफ़क़ुन अलैह। हर नमाजी भी अपने तशहुद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत तमाम नेक लोगों पर सलाम भेजते हुए कहता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अल्लाह ताला की सलामती, रहमत और बरकतें हों आप पर ए नबी, सलामती हो हम पर और अल्लाह के तमाम नेक बंदों पर। जो शख्स घर में दाखिल हो तो शरी तौर पर वो अपने अहले खाना को सलाम करे क्योंकि सलाम पाकीज़ा और बाबरकत तोहफा है। फरमाने वाली ताला है, जब तुम घरों में दाखिल हुआ करो तो एक दूसरे को सलाम करो, ये अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा तोहफा है। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह कहते हैं, अल्लाह ताला ने सलाम को बाबरकत करार दिया क्योंकि इसमें दुआ है और ये मुसलमान से मोहब्बत का जरिया है। नीज इसे पाकीज़ा भी करार दिया क्योंकि सुनने वाले को ये जुमला अच्छा लगता है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए दीन भी वही मुकर्रर फरमाया जिसमें हिदायत और सलामती है। अल्लाह ताला का फरमान है, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लामु, बेशक अल्लाह ताला के यहाँ दीन इस्लाम है। इसी दीन की तिबा में दुनिया व आखिरत की सलामती है। अल्लाह ताला का फरमान है, और मुत्तबईन हिदायत पर सलामती हो, फिर इस दीन के पैरोकारों का आखिरी ठिकाना भी सलामती वाला घर है, यानी जन्नत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह ताला सलामती वाले घर की जानिब दावत देता है और जिसे चाहता है कि सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करता है। मुसलमान को मखलूक में कौली और फेली हर एतबार से सलामती का पैगाम फैलाने का हुक्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दीगर मुसलमान सलामत रहें। रवाहुल बुखारी। सलामती के लिए सबसे बड़ा अमल अल्लाह ताला की जानिब लोगों को दावत देना है कि लोगों को उनके परवरदिगार, उनके नबी और उनके दीन से मुतारिफ करवाएं। फरमाने बारी ताला है, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, और अल्लाह की जाने बुलाने वाले नेकोकार से ज्यादा किसकी बात अच्छी हो सकती है जो ये भी कहे कि मैं फरमाबरदारों में से हूं। अल्लाह ताला ने ऐसे शख्स की मदा सराई फरमाई है जो जाहिलों के मत्थे ना लगे और बुराई का बदला अच्छाई से दे। फरमाने बारी ताला है, और जब हम इनसे जाहिल मुखातिब होते हैं और जब इनसे जाहिल मुखातिब होते हैं तो वो सलामती वाली बात कहते हैं।
सलाम करना भी इस्लाम का शियार है। सलाम कहते हुए मुसलमान अल्लाह ताला का नाम जिक्र करता है और अल्लाह ताला के नाम से ही सलामती तलब करता है। साथ में मुखातिब के साथ ये मुआहदा भी करता है कि उसे किसी किस्म की तकलीफ और अजियत नहीं पहुंचाएगा। सलाम हकीकत में बाहमी उल्फत और मोहब्बत पैदा करने की कुंजी है। सलाम आम होने पर मुसलमानों में बाहमी उल्फत बढ़ेगी, मुसलमानों का इम्तियाजी शियार जाहिर होगा, आपस में एक दूसरे पर एतमाद बढ़ेगा, बल्कि सलाम करने से एक दूसरे की इज्जत और ताल्लुक में भी मजबूती आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यहूदी तुमसे इतना हसद किसी चीज पे नहीं करते जितना तुमसे सलाम और आमीन कहने पर करते हैं। रवाहु इब्ने माजा। इस्लाम ने सलाम में पहल करने की तरगीब भी दी। फरमाने नबवी है, बेशक अल्लाह ताला के हाँ करीब तरीन वही है जो सलाम में पहल करे। रवाहु सुनन अबू दाऊद। लोगों को सलाम आम करने का हुक्म भी दिया गया है। चुनाचे हजरत बर्रा बिन आजिब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 चीजों का हुक्म दिया और उनमें सलाम आम करने का भी हुक्म शामिल था। रवाहुल बुखारी। सलाम इस्लाम की नशर व इशाअत का जरिया भी है, जैसे कि हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जिस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो मैं भी चंद लोगों के साथ आपके दीदार के लिए आ गया। जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लम का चेहरा देखा तो मैं जान गया ये चेहरा किसी झूठे शख्स का नहीं हो सकता। उस वक्त सबसे पहले आपने फरमाया था, लोगों सलाम आम करो, खाना खिलाओ, लोग सोए हुए हों तो तुम नमाज पढ़ो तो तुम जन्नत में दाखिल किए जाओगे। रवाहु तिर्मिज़ी। इमाम नौवी रहमतुल्लाह कहते हैं, सलाम आम करने का मतलब यह है कि हर मुसलमान को सलाम करें और कसरत से सलाम करें। सलाम करना बेहतरीन इस्लामी अमल और इस्लाम का अफजल तरीन दर्जा है। एक आदमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा अमल इस्लाम में बेहतर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खाना खिलाओ और तुम किसी को जानते हो या नहीं उसे सलाम करो। मुत्तफ़क़ुन अलैह। इमाम इब्ने रजब रहमहुल्ला कहते हैं, ये सलाम आम करने का सबसे अफजल तरीन तरीका है। इसी तरह इमाम नौवी रहमहुल्ला कहते हैं, सलाम आम करना और खाना खिलाना बहुत ही अहम है और इसकी ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन दोनों अमूर के मुतालिक बहुत ज़्यादा सुस्ती और कुताही पाई जाती है। सलाम करने वाले के लिए 10-30 नेकियाँ लिखी जाती हैं। एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा, अस्सलामु अलैकुम, तो आपने उसके सलाम का जवाब दिया और बैठ गया। फिर एक शख्स आया और आपने जिसने पहले सलाम किया था फरमाया, इसके लिए 10 नेकियां हैं। फिर एक और आदमी आया और उसने कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो आपने उसके सलाम का जवाब दिया, वो भी बैठ गया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके लिए 20 नेकियां। फिर तीसरा आदमी दाखिल हुआ और आप सल्लम पर सलाम करते हुए कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो आपने उसका जवाब दिया और वो आदमी भी बैठ गया। उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इस शख्स के लिए 30 नेकियां हैं। रवाहु सुनन अबू दाऊद। सलाम करना और फिर सलाम का जवाब देना मुसलमानों के बाहमी हकूक में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मुसलमान के मुसलमान पर 6 हकूक हैं, उन्हीं में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक मुसलमान दूसरे को मिले तो सलाम कहे। रवाहु मुस्लिम। जबकि बुखारी की रिवायत में है कि सलाम का जवाब भी दो। सलाम दो आपस में झगड़े हुए अफराद के दरमियान सुलह का जरिया है। नीज इन में से बेहतर वो है जो सलाम में पहल करे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, किसी भी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज़्यादा कत ताल्लुक ही करें, कि जब वो मिलें तो एक दूसरे से मुंह मोड़ लें। इन दोनों में से बेहतर वो है जो सलाम में पहल करे। मुत्तफ़क़ुन अलैह। ईमान की तकमील और हालात की बेहतरी बाहमी मोहब्बत से होगी और बाहमी मोहब्बत सलाम से पैदा होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम उस वक़्त तक जन्नत में नहीं जा सकते जब तक ईमान ना ले आओ, और ईमान उस वक़्त तक नहीं ला सकते जब तक तुम बाहमी मोहब्बत ना करने लगो। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बतलाऊँ जब तू उसे करे तो लोग आपस में मोहब्बत करने लगें, तो आपस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तो फिर तुम आपस में सलाम किया करो। रवाह मुस्लिम। सहाबे किराम रिजवानुल्लाह अजमाइन
सलाम करने के अमल को ईमान में शुमार किया करते थे। अगर कोई रास्ते में बैठे तो सलाम का जवाब देना रास्ते का हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रास्ते में बैठने से बचो। तो सहाबा ने कहा, इसके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं, वहां तो हमारी बैठक होती है और हम उसमें बातचीत करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने बैठना ही है तो फिर रास्ते का हक लाजमी अदा करो। तो उन्होंने पूछा, रास्ते का हक क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजरें झुकाकर रखो, तकलीफ देने से बचो, सलाम का जवाब दो, नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। मुत्तफकुन अलैह। सलाम के अदा में ये शामिल है कि छोटा बड़े को सलाम कहे, सवार पैदल को सलाम कहे, प्यादा बैठे हुए शख्स को सलाम कहे, इसी तरह थोड़े लोग ज्यादा लोगों को सलाम कहें। जरूरत के वक्त तकरार के साथ भी सलाम किया जा सकता है। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम करते तो तीन बार सलाम करते थे। रवाहुल बुखारी। बच्चों को सलाम करना भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इससे बच्चों के साथ शफकत, नरमी और बच्चों की शरी आदाब पर तरबियत होती है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि उनका गुजर बच्चों के पास से हुआ तो आपने उन्हें सलाम किया और फिर कहने लगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह किया करते थे। मुत्तफकुन अलैह। जिस तरह राह चलते हुए सलाम करना शरी अमल है, बिल्कुल इसी तरह मजलिस और बैठक में आते जाते भी सलाम करना शरी अमल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब तुम में से कोई मजलिस में पहुंचे तो सलाम कहे और जब वहां से जाने लगे तो तब भी सलाम कहे, क्योंकि इब्तिदा में सलाम कहना आखिर में सलाम कहने से ज्यादा जरूरी नहीं। रवाह हुस्नन अबू दाऊद। सलाम कहने का अमल मुसलमानों की इम्तियाजी खूबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यहूदो नसारा को सलाम करने में पहल मत करो। रवाह मुस्लिम। जबकि एक और रिवायत में है, जब तुम्हें अहले किताब सलाम करें तो तुम उन्हें जवाब में कहो वालेकुम। मुत्तफकुन अलैह। इस कदर बुलंद आवाज में सलाम कहना मुस्तहब है कि मुखातिब सुन ले। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं, जब तुम सलाम करो तो सलाम की आवाज मुखातिब को सुनाओ, क्योंकि ये अल्लाह ताला की जानिब से बाबरकत और पाकीजा तोहफा है। खुतबे के दौरान सलाम करना और उसका जवाब देना मना है, क्योंकि खुतबा खामोशी से सुनने का हुक्म दिया गया है। नीत कज़ाए हाजत के दौरान भी सलाम की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये दुआ और जिक्र का वक्त नहीं। सलाम असल में अमान और दुआ है, और ये इस्लाम की खूबी और कमाल है कि सलाम जिंदा और फौत शुदा सब के लिए यकसा मुकर्रर फरमाया, क्योंकि फौत शुदगान की दुआओं की अशद्दत जरूरत होती है, क्योंकि फौत शुदगान को दुआओं की अशद जरूरत होती है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक थी कि जब आप कब्रस्तान तशरीफ ले जाते तो आप उन पर सलामती भेजते। अल्लाह ताला की तरफ से रोज़े क़यामत मोमिनीन का शियार भी सलाम ही होगा। फरमाने बारी ताला है, जिस दिन वो अल्लाह से मिलेंगे उनका तोहफा सलाम होगा। मोमिनीन का जन्नत में घर भी सलामती वाला होगा। वहां मोमिनों को मौत, गम, परेशानी या किसी किस्म की बीमारी भी लाहिक नहीं होगी। फरमाने बारी ताला है, उनके लिए उनके परवरदिगार के यहाँ सलामती वाला घर है। नीज उन्हें यह भी कहा जाएगा कि इस घर में दाखिल हो जाओ जो सलामती वाला है और जो अमन वाला है। जब मोमिनों के लिए जन्नत के दरवाजे खोले जाएंगे तो जन्नत के दरबान मोमिनों का इस्तकबाल करते हुए कहेंगे, सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। ए जन्नतियो, तुम पर सलामती हो, खुश हो जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में दाखिल हो जाओ। फिर जब मोमिन जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला उनके बारे में फरमाते हैं, वो वहां कोई बेहुदा बात या गुनाह की बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ इस्लाम ही इस्लाम की बात होगी, सिर्फ सलामती ही की बात होगी। एक और मुकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो उसमें अपने रब के हुक्म से हमेशा हमेशा रहेंगे, वहां उनका तोहफा सलाम होगा। इसी तरह एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया कि उनके पास फरिश्ते हर रोज आएंगे और कहेंगे कि तुम पर सलामती हो, क्योंकि तुम सब्र करते रहे, सो ये आखरत का घर क्या ही अच्छा है। जब अहले जन्नत अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में मगन होंगे तो कामिल तरीन नेमत अपने परवरदिगार के दीदार
और अल्लाह ताला की जानिब से सलाम की सूरत में हासिल करेंगे। फरमाने बारी ताला है, सलामुन कौल मिन रब रहीम, मेहरबान परदिगार की तरफ से उन्हें सलाम कहा जाए। इन तमाम तर तफसीलात के बाद ए मुसलमानों, दीन इस्लाम में ज़िंदगी के तमाम गोशों से मुतालिक तालीमात मौजूद हैं। दीन इस्लाम ही हर वक्त और हर जगह के लिए मौजूद तरीन दीन है। दीन इस्लाम के अहकामात में ही दीनों दुनिया की फलाह व बहबूद है। इसी में पूरी इंसानियत के लिए सलामती की दावत है। दीन इस्लाम तमाम मखलूकात के माबैन शफकत और रहमत भरे ताल्लुक का जामिन भी है। इस्लाम ही पायदार अमूर की जानिब रहनुमाई करता है। दीन इस्लाम पर चलने वाला ही कामयाब है, वही अपने मौला की रजा पाएगा। ऐ ईमान वालो, ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के कदमों की ताबेदारी ना करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ऐ मुसलमानों, अल्लाह ताला के अस्माओ और सिफात से मुतालिक इल्म आला तरीन इल्म है। इसी की बिना पर अल्लाह ताला से मोहब्बत, अल्लाह ताला की आदमत, उम्मीद और खशियत पैदा होती है। जिस कदर इंसान का अल्लाह ताला के बारे में इल्म ज़्यादा होगा, वो अल्लाह ताला की जानिब उतना ही मुतवज्जे होगा, अल्लाह ताला के अहकामात और नवाही की पासदारी करेगा। हकीकत यह है कि बंदगी की तमाम तर सूरतें अल्लाह ताला के अस्माओ सिफात के तकाजे में हैं। इंतहा दर्जे की सआदत मंदी और राह इलाही में बुलंद मुकाम पाने का यही जरिया है। अल्लाह ताला के अपने अल्लाह ताला को अपने अस्माओ और सिफात बहुत पसंद हैं। अल्लाह ताला पसंद फरमाता है कि उसकी मखलूक में अस्माओ और सिफात के असरात रूनुमा हों। अल्लाह ताला मेरे और आप सब के लिए कुरान मजीद को खैर व बरकत वाला बनाए, मुझे और आप सबको इस जिक्र हकीम से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाएं। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।